नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। भीषण गर्मी का कहर सिर्फ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका कहर देखने को मिल रहा है। हज की यात्रा पर सऊदी अरब आए 19 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। मरने वाले हज यात्री जॉर्डन और ईरान के बताए जा रहे हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मुस्लिमों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक बकरीद को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आज सुबह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ रंगापानी स्टेशन के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने पड़ोसी देश भूटान में बहुत बड़ी पावर डील क्रैक की है और रविवार को भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने 507 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 जून को बारबाडोस के सुपर 8 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया इसके लिए बारबाडोस पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 साल बाद जून ने इतनी गर्मी दिखाई है। वर्ष 2015 में जून में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री पहुंचा था, जो 0.1 डिग्री ही ज्यादा है। अभी आधा जून बाकी है, ऐसे में गर्मी 2015 का रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है। बीते साल 16 जून की बात करें, 40.6 डिग्री पारा था। इस लिहाज से 2024 का 16 जून 5 डिग्री ज्यादा गर्म रहा। हैरी पॉटर का किरदार निभाकर दुनिया भर में मशहूर हुए अभिनेता डेनियल रेडक्लिफ इन दिनों 7वें आसमान पर हैं। दरअसल डेनियल रेडक्लिफ ने अपना पहला टोनी पुरस्कार जीत लिया है। उन्हें मैरली वी रोल अलोंग में शानदार अभिनय के लिए यह खिताब दिया गया है। वेलकम और वेलकम टू की सफलता के बाद अब मेकर्स इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल लेकर आ रहे हैं। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मेकर्स ने वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। 52 साल के गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पिछले साल अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना चिनाब रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। उत्तरी रेलवे ने जानकारी दी है कि चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से ट्रेन यात्रा जल्द ही शुरू होगी। रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बने चिनाब रेल ब्रिज का निरीक्षण किया गया। संगलदान से रियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई गई, जिसमें चिनाब ब्रिज को पार करना भी शामिल है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए अवरल टाइम्स के साथ बने रहें। धन्यवाद।